अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमें यकीन है कि आप हमारे वीडियोस भी देख रहे होंगे। आज हम लोग जाएंगे चाट खाने के लिए, अनुराग चाट कॉर्नर जाएंगे, और जो कि बाटी सर्कल जो राठनाड़ा पे है वहाँ पे लोकेटेड है। इनकी जो लोकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मैंने सुना काफ़ी अच्छा है। और मैं साथ में ताहा है, ताहा किसवा, तो चलिए सीधा अपने वहाँ चलते हैं और वहाँ पर जाके चाट का मज़ा उठाते हैं। तो बस हम लोग यहाँ पर आ गए हैं अनुराग चाट कॉर्नर पर, जो कि बाटी सर्कल पे लोकेटेड है। मैं पूरा आपको बता दूं इनमें क्या क्या है, अभी क्या फेमस है, फिर अंदर जाके हम लोग ट्राई करेंगे। ये देखिए आप, ये पूरा अनुराग अरोड़ा चाट एंड फास्ट फूड है। अंदर चलते हैं और इनसे जानते हैं क्या क्या है। तो सूजी के गोल गप्पे हैं, मच्छी की चाट है, दही कचौरी है, दही बड़े है, भेलपूड़ी, सब कुछ यहाँ पर। मैंने काफ़ी नाम सुना है, मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ पर। चलिए अंदर बैठ के आराम से ऑर्डर करते हैं। देखिए आप, इनका ये भी है राज कचौरी है, पनीर चाट है, भेलपूड़ी है, काफ़ी सारा आइटम है। भाई साहब से बात करते हैं, फिर आपको बताते हैं यहाँ पे मुझे क्या ट्राई करना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? आकाश। आकाश जी, ये शॉप आपका? तो हमारे कोई सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जाके आप ज़रूर बनाएं। क्या खिलाएंगे आपके यहाँ पे, क्या फेमस है? कटोरी चाट या मिक्स चाट? कटोरी चाट और मिक्स चाट, चलो बनाएं आप। देखिए जो इनके जो भी इन्ग्रीडियंट्स हैं और जहाँ पर इन्होंने जो भी चाट के और भेलपूड़ी में जो भी सामान उन्होंने रखे हैं वो देखें आप, एकदम नीट एंड क्लीन है और हाइजीनिक एकदम प्रॉपर। कोई ये नहीं कि कोई चीप क्वालिटी उन्होंने यूज़ की, एकदम सुपीरियर क्वालिटी है। और देखिए कितना साफ सफाई है। तो ये भाई साहब हमारी कटोरी तक चाट तैयार कर रहे हैं। लग तो बहुत ज़बरदस्त रहा है, मैं ट्राई करूँगा इंशाल्लाह, फिर आपको बताऊँगा कैसा लगा। ये स्प्राउट भी इन्होंने डाले हैं इसमें। तैयार होने वाली तैयार हो गई जी जी। सब इनके जो मसाले हैं ये डाल रहे हैं इसमें। अगर जी आपकी शॉप को कितना टाइम हो गया यहाँ पे? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए यार, 20 साल में पहली बार आया यहाँ पे। अरे यार, ये तो फिर हमारे लिए मतलब ऐसी चीज़ हमसे कैसे मिस हो सकती है। कोई बात नहीं, अब आते रहेंगे आप यहाँ पे, हम तो खाने के शौकीन हैं। तो बस ये फाइनल टचिंग दे रहे हैं हमारे आकाश जी, और बस फिर हम लोग ट्राई करेंगे इसको। इनकी दही भी देखिए एकदम क्वालिटी वाली है, एकदम गाढ़ी दही है, मतलब ऐसी नहीं पतली, एकदम गाढ़ी दही है। रंग जबरदस्त रहा है। अभी डेकोरेशन बाकी है। अच्छा, डेकोरेशन बाकी है, क्या बात है। देखिए आप, ज़बरदस्त माशाल्लाह। यहाँ पे हम लोग इसके बाद में मिक्स चाट भी लेंगे, उसके बाद पानी पताशे भी ट्राई करेंगे। पहले ये खा लें फिर वो ट्राई करेंगे। दे दो। ये अनार से इन्होंने गार्निश भी कर दी। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त है कटोरी, इन्होंने यूज की वो काफी क्रिस्पी है और एकदम फ्रेश है। इसमें से कोई तेल की कोई स्मेल नहीं आ रही है, एकदम फ्रेश इन्होंने यूज किया और बहुत ही जबरदस्त जो कॉम्बिनेशन है इन्होंने यूज किया है बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं खाते हैं ये मैंने ट्राई कर लिया। अब इसके बाद में आकाश जी ने कहा है कि हमको मिक्स चाट ट्राई कराएंगे,
जो कि वो हम ट्राई करेंगे। चलिए वो भी आका जी से पूछते हैं कैसे बनाते हैं, उसके बाद हम ट्राई करेंगे। तो आका जी, आपकी जो कटोरी चाट थी वो तो मैं बहुत पसंद आई माशाल्लाह। अब आप हमें क्या खिलाएंगे? सारी जो चाट की जो भी वैरायटी आती है वो सब इसमें मिक्स होके एक ही इन्होंने जो डिश है वो तैयार कर दी है। देखिए आप पता से चलेगा इसमें। सबसे बड़ी बात क्या है, क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। जैसे तेल इन्होंने जो यूज़ किया है एकदम सुपीरियर क्वालिटी का है, कोई बदबू और कुछ भी नहीं है। जो भी इन्ग्रीडियंट्स एकदम फ्रेश हैं तभी तो चाट खाने का मज़ा आता है ना। पालक के बड़े चले गए इसमें, पता नहीं चले गए, मट्टी जा रही है इसमें। ये कचौरी भी डाल दी है हमारे आका जी ने, बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब कॉम्बिनेशन देखें आप, सब चीज़ें इसमें एक ही में इन्होंने डाल दी है। ये आका जी मैंने कहीं ये कॉम्बिनेशन तो कहीं भी, मैंने इतनी चाट खाई जोधपुर में कहीं भी नहीं है मिक्स। तो मिक्स चाट एक्चुअल में क्या है, सब सोचते हैं कि उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, कमाई नहीं है, टाइम बहुत लगता है बनाने में। जी जी, इसलिए क्या है लगभग हर जगह मिक्स चाट मिलती नहीं। हाँ, ये मैं भी फर्स्ट टाइम ही खा रहा हूँ। मैंने इतनी जगह चाट खाई है लेकिन कभी मिक्स चाट मैंने आज तक कभी नहीं खाई है। देखिए इसमें तीन चार तरह के इन्होंने डाल दिए। दही तो आपकी बहुत ज़बरदस्त है। थैंक यू। हमारे व्यूवर्स यहाँ पर आके आप ज़रूर ट्राई करें। मैंने भी तो एक जो पपड़ी चाट खाई है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, अब मैं इसको ट्राई करता हूँ। और इनका जो लोकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आपको अगर लोकेशन नहीं मिले तो उनको फ़ोन भी कर सकते हैं और नेविगेट भी आप कर सकते हैं पूरे जोधपुर में, या पूरे कहीं से भी आप नेविगेशन यूज़ कर सकते हैं। आप जोधपुर में आए हैं तो यहाँ पर ज़रूर ट्राई करें चाट। बस फाइनल टचिंग दे रहे हैं आका जी और फिर हम ट्राई करेंगे। ये तैयार हो गई हमारी मिक्स चाट और बस अब हम ट्राई करेंगे। ठीक है आका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम ट्राई करके आपको बताते हैं हमें कैसा लगा। चाट का मज़ा उठाते हैं। इसमें पताशे हैं, कचौरी है, पालक के बड़े हैं। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। सबसे अच्छी बात क्या है, ये बहुत ही छटपटा है माशाल्लाह। ऐसा नहीं कि आपको ना ज़्यादा स्पाइसी है ना ज़्यादा फीका है। जो कॉम्बिनेशन इन्होंने मसाले के यूज़ किया है बहुत ही ज़बरदस्त किया है। अगर आपको सारी चाट का जो भी वैरायटी आती है चार पांच टाइप की, अगर आपको एक साथ खानी है तो यहाँ पे आप मिक्स चाट ज़रूर ट्राई करें। बस यहाँ पर हम लोग ख़त्म करते हैं, पानी पताशे भी खाएँगे फिर वीडियो ख़त्म करेंगे और एंड में रिव्यू। कटोरी चाट खा लिए, मिक्स चाट भी खा लिया, पानी पताशे लास्ट में ट्राई कर रहा हूँ। सीजी वाला खिलाना भैया, पानी पताशे मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है माशाल्लाह। और अनुराग चाट बाज़ार का मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया, तो आज पहली बार मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये 20 साल से यहाँ पे है और मेरे यहाँ पे फर्स्ट टाइम आना हुआ है। बस अब पानी पताशे ट्राई करते हैं। ये सॉस मतलब छटपटा हमारा।
नमकीन है पानी बहुत अच्छा माशाल्लाह। ये मीठा और नमकीन दोनों है। मीठी चटनी अलग है, मसाला अलग है। बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी माशाल्लाह। पानी बताशे में तेल की बदबू बिल्कुल नहीं आ रही है। बस मैं यहाँ पे खाता हूँ, फिर आपको एंड में आके रिव्यू देता हूँ। चाट हमने ट्राई कर ली है। अब यहाँ पे इनके पास में गन्ने का जूस की भी शॉप है, वहाँ से हमने ये भी ले, हमने आज का, मैंने कहा गर्मी बहुत है तो चलो गन्ने का जूस भी लेते हैं। तो बस यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं। आप अनुराग चाट पे ज़रूर आएँ, लोकेशन मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इनकी पपड़ी चाट और मिक्स चाट आप यहाँ ज़रूर आके ट्राई करें, और शादाब टॉक्स को देखते रहें और घंटी ज़रूर बजाएँ, और आप हमें दुआ में याद रखें। और इंशाल्लाह ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।